फाइनली हम लोग स्वर्ग द्वार में एंट्री। ले लिए हैं और चलिए आपको भी आगे दिखाते हैं कि आप कुछ दिखा सकते हैं इसके अंदर में। तो गाइस स्वर्ग द्वार के अंदर में हम लोग देखे वहाँ पर एक लाश को जलाया जा रहा था, चलिए लेकिन आगे चलिए आपको दिखाते हैं। इधर में शिव भगवान का एक मूर्ति बना हुआ है। चलिए यहाँ से हम लोग निकलते हैं, बाकी और भी आगे मंदिर जाना है, उसके बाद पूरा मेला में राउंड भी लगाना है, तो यहाँ से निकलेंगे तभी ये सब कर पाएंगे। तो चलिए फटाफट चलते हैं गाइस आगे मेला का भीड़ में। तो गाइस पीछे साइड मंदिर है, तो चलिए मंदिर जगह हम लोग देख करके आते हैं। और इधर काफी सारा भीड़ इधर देखने को मिल रहा है, तो चलिए आप लोग को भी दिखाते हैं। ओ भाई देख दे दे रो लगे लोग के का फिलहाल। दोस्तों अभी हम लोग मंदिर परिसर में आ गए हैं, तो यहाँ पर चारों साइड देख सकते हैं, इधर मंदिर है और आगे साइड नदी। तो गाइस ये है मंदिर परिसर और मेरा पीछे साइड देख सकते हैं इधर नदी है, जहाँ पर लोग जो श्रद्धालु आते हैं यहाँ पर वो वहाँ स्नान करके मंदिर में दर्शन ले सकते हैं। तो चलिए यहाँ पर जो भी है अगल बगल सारा चीज़ हम आपको दिखाएंगे, बाकी वीडियो पर बने रहिए ताकि आपको पता चलेगा कि आखिर यहाँ पर है क्या क्या चीज़। चलिए यहाँ जो पीछे वाला कुंड में जो सरस्वती कुंड है गाइस, वहाँ पर माना जाता है, मतलब लोग कहते हैं कि वहाँ पानी कभी सूखता ही नहीं है। अभी गुफा की ओर जाते हैं तो आप लोगों को भी दिखाएंगे तभी। तो हम लोग अभी ऊपर चढ़ रहे हैं, तो चलिए का जाना है कि नहीं जाना है? जाना है, जाना है ना। यहाँ पे हम लोग का जो रामायण रचना किया गया था, तो वहाँ पे गुफा है, मस्त सा गुफा छोटा सा, और ये जो गुफा है डायरेक्ट कुरुक्षेत्र में निकलता है ऐसे कहा जाता है, हम लोगों को उतना पता है। तो फिर वहीं पे चलते हैं, चलिए ऊपर चढ़ते हैं और देखते हैं अंदर में क्या। मम्मी तो गाइस यहाँ पर पीछे साइड देख सकते हैं पूरा पार्क जैसे बनाया गया है, यहाँ पर टहलने के लिए चारों साइड देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों यहाँ से निकलते हैं, बाकी यहाँ का जो गार्डन है यहाँ पर काफी सारा भीड़ है चारों साइड देख सकते हैं। तो हम लोग अभी यहाँ से निकलेंगे, बाकी अभी पार क्या बोलते हैं उसको, हाँ मेला साइड चाहिए मेला।